एसजीपीआई जिंदाबाद, एसजीपीआई का नारा है मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, धिक्कारा 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 धिक्कारा, बीजेपी सरकार के धिक्कारा, बीजेपी सरकार के धिक्कारा। आज हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है, 8-10 रोज पहले इतनी बड़ी एक अफवाह नहीं बोलते उसको, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा स्कैंडल बाहर आया, शर्म से हमें कहना पड़ रहा है, इसका नाम भी लेते हुए हमें शर्म आती है, एक सेक्स स्कैंडल। और कौन कर रहा है? एक एमपी कैंडिडेट, और इससे पहले भी एमपी रह चुका है, प्रज्वल रेवन्ना। शर्म आनी चाहिए नालायक को, और उसके बाप को, उसके चाचा को, और उसके दादा को। उसका दादा देवेगौड़ा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका है, और उसका चाचा कुमार स्वामी वो 2 बार सीएम रह चुके हैं, और खुद इसका बाप भी है, एक मिनिस्टर पोस्ट पे था। और क्या किया है इसने? 3000 के करीब औरतों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया है, और करने के बाद आसानी से फ्ली होके जाता है, जर्मनी भाग के चला जाता है, पता भी नहीं, हिंदुस्तान में छुपा होगा, जर्मनी गया बोलकर दिखा रहे, इनके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो क्या बात हुए, 15 रोज पहले पूरे कर्नाटक में गली गली में शोर था नेहा को लेकर, और उसका कातिल कौन था? मुस्लिम था। यहाँ पे क्या करना था इनको? इनके इनकी मनचाही चीज इनको मिल गई थी ना, पोलराइजेशन, हाँ, हिंदू मुस्लिम, हाँ, इसलिए यहाँ पर पूरे गली गली में माँ बहनों को भी रोड पे निकाले थे। तो अब मैं पूछता हूँ, ये 3000 माँ बहनों का, उनकी असमतरीसी जो हुई है, उसका जवाब कौन लेगा, उसका हिसाब कौन लेगा? आप क्यों खामोश है? क्यों ऊपर हाईकमांड खामोश है? इसलिए बीजेपी वालों से पूछता हूँ मैं, हाँ, राम सेना वालों से पूछता हूँ, हाँ, विश्व हिंदू परिषद वालों से पूछता हूँ, हाँ, 14 फरवरी को गार्डनों में आ जाते हैं, हाँ, बच्चे बच्चियों पर जुल्म करते हैं, हाँ, जोड़े, हाँ, आप भारत की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं बोलकर उन पर जुल्म करते हैं। इतना बड़ा जुल्म आज हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए सवाल कहाँ है आपके पास? हाँ, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कोई पूछ सकता है? मोदी जी को कोई पूछ सकता है? आप गौर करो, हिसाब करो, इतने 3000 के करीब औरतों, सिर्फ सिंगल टाइम का है ये, हाँ, जितने उनको मौका मिला उतना उन्होंने रिकॉर्ड किया है, आईबीस में अपने ड्राइवर्स को, हाँ, और लॉजिंग में, यहाँ तक छोड़ो, अपने घर में काम करने वाली 70 साल की बूढ़ी के साथ में भी इस बेरहम ने उसको भी नहीं बख्शा, उस पर भी जो है जुल्म किया, उस पर भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया। अब यहाँ पर क्यों खामोश है? रेवन्ना हिंदू है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट होता तो क्या होता? हाँ, ईंट से ईंट बजा दी जाती। आज क्यों खामोश है? हाँ, इवन पूरी गवर्नमेंट क्यों खामोश है? कर्नाटक क्यों खामोश है? हिंदुस्तान क्यों खामोश है? ऐसे शर्मनाक वाकया जो हो रहे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट है, वाकया कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, लेकिन गपले भी आपके विश्व में सबसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला आया, वो भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ, उतना बड़ा स्कैंडल दुनिया में कहीं नहीं हुआ, उतना बड़ा उसके मैटर, और अब जो आया है सेक्स का मैटर, एक आदमी 3000 औरतों की अजमतरी करता है, उनके साथ यौन संबंध बनाता है, और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, और सबसे हैरानी की बात क्या है? खामोश है। नेहा के मैटर में हिंदू मुस्लिम मिल गया था ना, गली गली में शोर था, तब अब क्यों खामोश है? ये 3000 महीनों का उनका धर्म नहीं है? ये 3000 जो महीने हमारी जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो नहीं होंगे? हाँ, ये बोलते हैं कि भारत माता की बोलो बोलकर जुल्म करते हैं। भारत माता का तुम्हारा एक सेंटेंस है, एक जुमला है, जुल्म करना है आपको माइनॉरिटीज पे। अब क्या है भारत की माँ बेटियों पर, हाँ, भारत की माँ, ये एक्चुअल भारत की माताएं हैं, इनके साथ में जो हुआ, इनके साथ जुल्म हुआ, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? तो हम SDPI वाले इन माओं के, इन बहनों के बेटे, इन मसलूम माओं के, इन बहनों के भाई और बेटे हैं, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग जो है खामोशी से बैठने वाले नहीं। और हम गवर्नमेंट से, और हमारे एक्स मोदी जी से, और कर्नाटक की मौजूदा गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना वो जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी भी बिल में छुपा हुआ होगा, उसको बाहर लाना है, उसको बाहर लाकर उसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा देनी है, उसको फांसी की सजा दिलवानी है। फांसी की सजा भी ऐसे जालिम के लिए कम है, क्यों? एक बलात्कारी के लिए एक लाइफ, 3000 बलात्कार किया है इसने, तो 3000 बार इसके जाने नहीं है, 3000 बार हम इसको फांसी नहीं दिलवा सकते, गौर करो। और मैं इस वक्त हमारे मुल्क की जनता से मैं मुखातिब हूँ, अब कहाँ है,
हाँ, अभी इतने माओ बहनों के साथ जुल्म हुआ तो आप लोगों की आवाज क्यों खामोश है, क्यों चुप है, क्यों? ये हिंदू है बोलकर ऐसा नहीं है, आप लोग खामोश हो सकते हैं, लेकिन एसडीपीआई का एक मामूली कैडर भी जो है खामोश नहीं बैठेगा। क्यों? हमारा नारा यही है ना, एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। मुल्क के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में अगर जुल्म होती है, ज्यादती होती है, तो एसडीपीआई वहां पर विद इन आवर्स मौजूद है, उनके सपोर्ट के लिए मौजूद है। और जब तक जालिम को उसके किरदार तक, कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, एसडीपीआई हमेशा उनके पीछे रहेगी, उनके साथ में रहेगी। और मजलूम को जो जालिम है, और मजलूम को जब तक उसका इंसाफ, उसका हक बराबर उसको नहीं मिलेगा, तब तक जो है एसडीपीआई उनके साथ में खड़ी रहेगी। ಎಂ ಪಿ ಅವನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐನ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಕಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐನ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ನಾಯಿ ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು, ಜೊಲ್ಲು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಇದೇನಾ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಫಾಸಿ ಸಜಾ ಕೊಡಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. और मजलूम को उसका हक दिलाने की कोशिश करेगी और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे प्रेस फ्रेंड्स के साथ उन्होंने भी हमारे बुलाने पर लबैक कहकर हाजिर हो गए, मैं आप तमामों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा ये प्रोटेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। साथ ही मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस प्रोटेस्ट के ख़त्म होने पर एक साइड पे होकर